बीजेपी हेडक्वार्टर में, उनके बाद राष्ट्रपति भवन में, उसके कारण से हम लोग का सर एज ओवर एज हो चुका है। सरकार के कानों तक साथ आवाज नहीं पहुंच रही है। सरकार सर नहीं सुन रही है ना, इसी कारण से तो हम लोग का ये हाल है। लेकिन सरकार जो है, अब सर आप सरकार से ये बात पूछ सकते हैं कि कब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे, क्योंकि सर उन्हीं के हाथ में है। हम लोग सर किसी राजनीतिक पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं, हम लोग का, हम लोग की अपनी हक है, जिनके लिए सर हम लोग ने अपने जीवन की महत्वपूर्ण समय 3 से 4 से 5 साल निकाले हैं। सर आप समझ सकते हैं कि 18 वर्ष से लेकर के और 25-26 वर्ष की जो एज होती है कितनी महत्वपूर्ण होती है सर, और उस एज को हम लोग निकाल चुके हैं। किसके लिए सर, मतलब एसएससी जो है हम लोग के साथ जो है इतनी लंबा, मतलब भर्ती प्रक्रिया में लंबी समय लगाई है, और उसके कारण से हम लोग का सर एज ओवर एज हो चुका है। अब सर हम लोग किसी फॉर्म को फिलिप नहीं कर सकते हैं, इसका जवाबदेही कौन लेंगे सर? आज हम लोग जो है सर शुरू से, मतलब हम लोग जो है ना, मतलब जब से पढ़ाई स्टार्ट किया है तब से, मतलब देशभक्ति का जो हम लोग अपना अंदर जो है सपना सजा है, उसके लिए सर हमने स्कोर गाइड शुरू किए, उसके बाद जो है एनसीसी किए हैं सर, और जिला चैंपियन सर हम एथलेटिक्स के भी हैं, और गोला भी मेरा सर इवेंट है, और गोला के सर हम जिला चैंपियन है। फिर सर सरकारी हमारी बातों को क्यों नहीं सुन रही है, और क्यों अनदेखी सुन करके भी अनसुनी कर रही है? सर आप लोग सोचते होंगे कि सरकार के कानों तक शायद ये आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन सर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हम जो है मेमोरेंडम एप्लीकेशन के माध्यम से गृह मंत्रालय अमित शाह जी को बीजेपी हेडक्वार्टर में, उनके बाद राष्ट्रपति भवन में, हर जगह सर जितने भी एमपी एमएलए होते हैं सभी के दफ्तर में हम लोग दे चुके हैं, फिर भी सर हमारी बातों को ना सुन रही है और ना कोई रिप्लाई दे रही है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।